बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। सारा तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान पर जब भारतीय टीम खेल रही होती है तो ये नाम भी चर्चा में रहता है। लोग चिढ़ाने के अंदाज से शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो पूरे ग्राउंड में अगर आप देखिए या ग्राउंड के बाहर स्टेडियम में अगर आप देखें तो सारा 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 के नाम से गूंज हो रही होती है। ये अपनी एक अलग बहस है, लेकिन अगर आप देखें सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है और अपना एक गुस्सा जाहिर किया है। वो किस बात को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल सोशल मीडिया अगर आप देखिए तो हम सभी सोशल मीडिया आज के समय में चलाते हैं। हम सभी को सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं अगर आप देखिए डेली की जानकारी मिल पाती है और हम अपनी भी एक्टिविटीज को अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद चीज होती है, कई बार ये चीजें हमारे लिए कुछ खराब चली जाती है। और आजकल तो खास तौर पर अगर आप देखिए एक नया मामला जो सामने आ चुका है डीप फेक वीडियो बनाने का। डीप फेक वीडियो यानी कि पता लग रहा है कि आप हैं भी नहीं और आप ही हैं और आपका उस तरीके से वीडियो बना लिया गया, तो एक अलग ही मामले में लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन सारा तेंदुलकर जिस बात को लेकर नाराज हुई है, दरअसल आप इस पहले अगर आपको ट्विटर यानी कि जिसका अब बदलकर नाम एक्स रख दिया गया, अगर आप उस पर जाएंगे और सारा तेंदुलकर का नाम सर्च करेंगे तो आपको एक अकाउंट खुलकर सामने आएगा जिस पर आपको लगेगा ये तो सारा तेंदुलकर का अकाउंट है। अगर आप देखेंगे उस पर ब्लू टिक भी लगा हुआ है, आप स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ तो सारा तेंदुलकर के बारे में उसमें सारे फोटो सब कुछ वहां पर मिल जाएगा आपको। बायो में अगर आप देखेंगे तो वहां पर पैरोडी जरूर लिखा हुआ, लेकिन आमतौर पर हम इतना ज्यादा बायो हर किसी का नहीं देखते तो आपको लगेगा ये तो सीधे सारा तेंदुलकर का ही है, वो ऐसे ऐसी तस्वीरें शेयर कर रही हैं, वो तो इनके बारे में ऐसा लिख रही हैं, वो तो इनके बारे में आपका एक माइंडसेट बन सकता है। इसी को लेकर सारा तेंदुलकर ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है जिसपे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सारा तेंदुलकर ने लिखा, सोशल मीडिया एक शानदार जगह है जहाँ हम सभी अपने खुशियों दुखों और हर दिन की एक्टिविटीज को शेयर करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग देखना चिंताजनक है क्योंकि यह इंटरनेट की सच्चाई और ऑथेंटिसिटी को दूर करता है। मैंने अपनी कुछ डीप फेक तस्वीरें देखी हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं। एक्स जो पहले ट्विटर था पर सारा तेंदुलकर नाम से पैरोडी बनाया गया है, जबकि मेरा एक्स पर कोई अकाउंट ही नहीं है। मुझे आशा है कि एक्स ऐसे खातों को देखेगा और उन्हें निलंबित कर देगा। यानी कि सारा तेंदुलकर रिक्वेस्ट कर रही है कि देखिए जो आप वो पैरोडी देख रहे हैं वो तो उन्होंने कह रही है कि पैरोडी लिखा हुआ, लेकिन मेरा तो वहां पर अकाउंट ही नहीं है और वहां पर जो तस्वीरें शेयर की जा रही है वो मेरी भी नहीं है और डीप फेक के माध्यम से बनाई गई तस्वीरें हैं। तो एक बड़ा कंसर्न है जिसको लेकर हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड एक्ट्रेस का डीप फेक तस्वीरें वायरल करना हो या फिर चाहे पीएम मोदी का वीडियो वायरल करना हो, एक अलग अगर आप देखें तो इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह डीप फेक बनता जा रहा है। तो इस पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाती है। लेकिन सारा तेंदुलकर के मसले को लेकर ये तमाम चीजें जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।